खबर आपको। उत्तर प्रदेश में बालू माफिया के ऊपर एक बार फिर से शिकंजा कसा है। मामला बुलंदशहर का है, जहां पर अवैध तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में बालू ले जाने वाले के ऊपर एसडीएम की कार्रवाई में टीम ने धावा बोला। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनके ड्राइवर वहां से नजारत हैं। जी हां, जिस तरीके से डीएम यहां पर पहुंचे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर जितने भी बालू माफिया थे वो यहां से चले गए हैं। एसडीएम की कार्रवाई करी गई है। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर अवैध तरीके से बालू ले जा रहे ट्रॉली और ट्रैक्टर को चेकिंग के लिए रोका गया। एसडीएम सदन ने इस पूरी कार्रवाई को किया और डीएम के आदेश के बाद ये पूरी जांच शुरू करी गई। आपको बता दें कि ये बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि बुलंदशहर से सटा है गंगा नदी और वहां से रोजाना कई ट्रैक्टर ट्रॉली से बालू भरकर जाते हैं, जिसकी आज यहां पर कार्रवाई करने के लिए एसडीएम और उनकी टीम पहुंची तो जितने भी बालू माफिया थे वो वहां से फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बालू भरा हुआ है ट्रैक्टरों में और यहां पर जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर हैं वो फरार हैं। आर सोनी न्यूज पे ये एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर बालू माफिया फरार हो गए। आपको बता दें जितने भी ट्रैक्टर पकड़े गए उन पर किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी नंबर नहीं है। फिलहाल डीएम ने इसकी कार्रवाई के लिए पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए हैं।